स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएस सृष्टि घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति 2023 और आज इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। घटना चक्र से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियो देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ये सभी टॉपिक है जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पहले देखते हैं पुर्तगाली के बारे में। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया था अहमद इब्न मजीद की सहायता से। कालीकट के सहायक जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया। लौटते समय ले गए मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति हुई थी इसे। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था 1505 ईस्वी में। ब्लू वाटर पॉलिसी नीले शांत जल की नीति का प्रतिपादक है हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना के हेतु। अब देखते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी है एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित। इस क्षेत्र पर इन्होंने मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया था। कोचीन भारत में है। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग के निर्माता 1503 ईस्वी में है अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट अब देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्ड नामक दल द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया 15 वर्षों के लिए। भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह थे अकबर। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित तत्कालीन मुगल शासक थे जहांगीर। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। इसका मूल नाम है कंपनी फ्रांसेसे देस इंडीज ओरिएंटलेस। स्थापना वर्ष है 1664 ईस्वी। स्थापना मंत्री काल्वर्ट के अनुरोध पर लुई 15वें के द्वारा किया गया था। प्रकृति राज्य द्वारा निर्मित है। धन हेतु खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी कारखाने की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉर्ज चार्नाक। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ। 1814 ईस्वी में अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली डच अंग्रेज डेन और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने 1498 ईस्वी तथा सबसे अंत में जाने 1961 में वाली यूरोपीय शक्ति थी तो ये हैं पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपना दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल है मसूलीपट्टनम। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में स्थापना स्थल है पीपली। नेक्स्ट अब देखते हैं विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष। पुर्तगाली कंपनी एस्टादो दा इंडिया की स्थापना वर्ष है 1505 ईस्वी। 1664 ईस्वी में स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी है कंपनी फ्रांसेसे देस इंडीज ओरिएंटलेस।
नेक्स्ट है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वेरे निगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी की, 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये हमने देखा विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष। नेक्स्ट अब देखते हैं महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। इलाहाबाद की संधि, इसमें प्रथम संधि हुई थी इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 ईस्वी में पक्ष अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 ईस्वी में पक्ष में है अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। मंगलौर की संधि वर्ष 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। तो ये हमने देखा महत्वपूर्ण संधियां। अब देखते हैं प्रमुख डच व्यापारिक कंपनियों के बारे में, प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र के बारे में। पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं अहमदाबाद, नागापट्टिनम, चिनसुरा, मसूलीपट्टिनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन। तो ये है सभी प्रमुख डच व्यापारी केंद्र। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के मध्य हुआ। तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र है ये। एक सलाह सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। वाडीवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी था, समय जनवरी 1760 ईस्वी में, नेतृत्व करता है आयरकूट अंग्रेजी सेना के द्वारा, अंग्रेजी सेना का और काउंट जी लाली फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता है। परिणाम क्या हुआ, तो इसमें अंग्रेज विजेता होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में। 1529 से 1538 ईस्वी में नूनो द कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं। इस तरफ देखिए 1534 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल के शासक सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति देते हैं। वर्ष 1961 ईस्वी में मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन वापसी होता है 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्विडा वायसराय नियुक्त होते हैं। अज़ीदियो कन्नौर या फिर कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों के निर्माता हैं। तो ये हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में। 1661 ईस्वी में वैवाहिक संधि देखते हैं। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी के मध्य विवाह होता है। विवाह हुआ था 1662 ईस्वी में, जिसमें चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई प्रांत प्राप्त हुआ था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया जाता है। विभिन्न पॉइंट देखते हैं। रणजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद कराया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से किया था जॉर्ज एलेन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। विविध पॉइंट देखते हैं इसमें। अब राजसी उपाधि अधिनियम पारित वर्ष है 1876, पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई जनवरी 1877 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियम तिथि है 26 जुलाई 1856। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनी नियम 15 विधवा विवाह वैध हुआ, उत्पन्न संतान वैध मानी जाएगी। अब देखते हैं बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मुर्शिद कुली खान
मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर हैं। इजारा व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया गया राजधानी ढाका से मकसूदाबाद मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था मुर्शिद कुली खाने। नेक्स्ट है अली वर्दी खान, इनका समय है 1740 से लेकर 1756 ईस्वी के मध्य। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की, अंग्रेजों के प्रति कथन है यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला, समय है इनका 1756 से 57 ईस्वी के मध्य। अली वर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी थे। ब्लैक होल की घटना 20 से 21 जून 1556 ईस्वी में इन्हीं के समय हुई थी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुए थे। नेक्स्ट है मीर कासिम, इनका समय है 1760 से 63 ईस्वी के मध्य। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में से सबसे योग्य रहे हैं। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया। मुंगेर तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों बनाने वाली व्यवस्था का केंद्र था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुए थे। अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक हैं। सैनिक के रूप में जननेता, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाले बंगाल के गवर्नर बने हैं 1758 से 60 ईस्वी के मध्य और 1765 से 67 के मध्य। इलाहाबाद की संधि किया था शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के मध्य, इन्हीं के समय हुई थी। श्वेत विद्रोह अंग्रेजों का था। संस्थापक है बंगाल में लुटेरा राज्य के रॉबर्ट क्लाइव। तो ये हमने रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं परीक्षा से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट। प्लासी, वर्तमान प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त दो उप दीवान दीवानी कार्य हेतु थे। तो ये थे मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा सिताब राय बंगाल के बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। पक्ष मीर कासिम अवध के सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। बंगाल के तत्कालीन नवाब थे मीर जाफर। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में, इनका समय है 1759 से 1806 ईस्वी के मध्य। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम देखते हैं। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में, यहाँ पे हम देख रहे हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में इन्हें रखा गया था। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त किए गए। 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप में प्रदान की गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दिया गया। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय वे पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था। अब देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। पहले देखते हैं पंजाब के रणजीत सिंह के बारे में। जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के मध्य। तिथि है 25 अप्रैल 1809। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह को वापस भेजा था। जमान शाह ये अहमद शाह अब्दाली के पोते हैं। जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान की थी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया, लाहौर को राजधानी बनाया। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार बनाया। 1802 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीना। शाह सुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी यात्री हैं। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है इन्होंने। फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री हैं।
प्रसिद्ध कथन है इनका, रणजीत सिंह का प्रसिद्ध कथन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। पंजाब, पंजाब का लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी, दोनों पर अधिकार था रणजीत सिंह का। तो ये हमने देखा पंजाब के रणजीत सिंह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं चिलिया वाला युद्ध के बारे में। 13 जनवरी 1849 को हुआ था। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व किया था, परिणाम अनिर्णित रहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन हेतु 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य हैं जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। दिलीप सिंह के बारे में देखते हैं। दिलीप सिंह के बारे में, यह अंतिम सिख साम्राज्य के अंतिम शासक हैं। इनका कार्यकाल 1843 से 49 ईस्वी तक रहा है। धर्म परिवर्तन, सिख से यह ईसाई धर्म परिवर्तन हुआ था इनका। इन्होंने रूस की यात्रा किया था, अंग्रेजों से पैसा लेकर ब्रिटेन पलायन कर गए थे। इनका निधन हुआ था अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं मैसूर के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 ईस्वी के मध्य, हैदर अली बनाम अंग्रेज के मध्य। विजेता इसमें हैदर अली रहे हैं, तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर है वेलेस्ट। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769 को हो गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय अवधि है 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य। हैदर अली जुलाई 1780 को कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा कर अरकाट पर अधिकार करते हैं। टीपू पोल्लीपुर हेक्टर मुर्रो की सेना को परास्त करते हैं। 1781 ईस्वी में हैदर अली बनाम आयरकूट, पोर्टो नोवो, पोल्लीपुर, सोलिंगुर, आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है। तो ये हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समयावधि है 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य। अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम बनाम टीपू यह युद्ध था। श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसमें टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली की गई। ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उस समय कॉर्नवालिस। अब देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में हुई टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य। परिणाम क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया जो चला था 1790 से 92 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। टीपू की मृत्यु हो गई थी। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व करता है वेलेज अली, हैरिस एवं स्टुअर्ट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेज अली को प्रदत्त उपाधि थी मार्क्विक्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। पहले देखते हैं रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां क्या क्या हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष, समय है 1740 से 1765 ईस्वी के मध्य। सुरक्षा प्रकोष्ठ, नीति घेरे की नीति, समय है 1765 से 1813 ईस्वी के मध्य। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी के मध्य रही है। नेक्स्ट है अधीनस्थ संघ की नीति, ये चली है 1858 से 1935 ईस्वी के मध्य। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है, इसका समय है 1813 से 1857 ईस्वी के मध्य। ये आप इसका क्रम इस तरफ से याद कर सकते हैं, पहले पहले यहाँ पर 1740 से 1765, इसके बाद इस तरफ से आपको आना है, राइट तरफ से आप इस तरफ से इस तरफ
आप इस नीति के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इसका क्रम दिया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। घोषणा हुआ था बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की। इनके समय में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की गई। स्थानांतरण राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता पर किया था। राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। महाभियोग मुकदमे का सामना इन्हें करना पड़ा था। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रमुख सहायक संधि। यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली की प्रमुख सहायक संधि देखते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध पेशवा भोसले या फिर बराज सिंधिया होलकर। तो ये इसका क्रम है। प्रमुख सहायक संधि है वेलेजली के समय की, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं लॉर्ड विलियम बेचिंग के बारे में। बंगाल का गवर्नर जनरल है। बवने हैं 1828 से 1834 ईस्वी के मध्य। सती प्रथा बालिका वधु सती प्रथा बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तदर्शता की नीति थी। 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ठगी प्रथा का अंत किया। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की कार्रवाई के लिए 1831 ईस्वी में मैसूर का तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी। निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया। शक्तियों के पृथककरण पर आधारित व्यवस्था लागू की। कर न्याय प्रशासन पृथक भारतीय भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया। मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर में मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनकी कब्र बनी है। तो ये हमने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। कार्यकाल है इनका 1848 से 56 ईस्वी के मध्य। अवध का विलय किया था वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थौड़ी के मध्य चली थी। एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया। विभक्त सिद्धांत के तहत विलय किया था सतारा का 1848 ईस्वी में। जैतपुर एवं संभलपुर का 1849 में। बघाट का 1850 में। उदयपुर का 1852 में। झांसी का 1854 में। नागपुर का 1854 में। करौली का 1855 में का विभक्त प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत किया गया था। भारत में विद्युत तार के प्रारंभकर्ता हैं। 1852 ईस्वी में ओ सैगनेसी विद्युत तार विभाग के अधीक्षक नियुक्त हुए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन है। इस तार ने हमारा गला घोट दिया। अवध का विलय 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त होते हैं। आउट्रम इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 7 फरवरी 1856 को अवध का विलय हो जाता है। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय हैं। 1857 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1 नवंबर 1858 महारानी की उद्घोषणा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। अब देखते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में। कार्यकाल है 1842 से 44 ईस्वी के मध्य। दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1843 ईस्वी में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1843 में। लॉर्ड मेयो इनका समय है 1869 से 72 ईस्वी के मध्य। प्रथम जनगणना हुई थी इनके समय में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हत्या की गई। प्रथम वायसराय जिनका कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी। तो ये है लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं अन्य पॉइंट। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया वायसराय लॉर्ड मेयो के समय।
दिल्ली तृतीय दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग है। गतिविधि गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय के समय की देखते हैं। चूक का सिद्धांत हड़प नीति है डलहौजी के समय की। बंगाल का विभाजन हुआ था लाटकर्जन के समय। बंगाल में दोहरा शासन लाया गया क्लाइव के समय। सामाजिक सुधार आए थे वेटिंग के समय। अब देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। प्रारंभ करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। यानी नाम है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी। क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू की गई। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू। प्रावधान क्या है तो इसमें जमींदारों का एक नया वर्ग भू स्वामी घोषित होता है। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास होता था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जन्मदाता है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्षेत्र है सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास के 12 महल जिले में लागू। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूक्षेत्र पर लागू। रैयत के लिए प्रावधान, भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार, भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्राप्त हुए। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई। उच्च लगान दर थी। नेक्स्ट है महलवाड़ी पद्धति। प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ कर अनुबंध हुआ। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भू क्षेत्र पर लागू हुआ था। अब देखते हैं धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को। धन का बहिर्गमन, इसकी उदाहरण है भारतीय धन, संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। प्रतिपादन किया था दादा भाई प्रतिपादक है दादा भाई नरोजी। इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वार्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि लेखों में इसकी व्याख्या की गई है। धन के निकास को इन्होंने इविल ऑफ ऑल इविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रमुख प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। इसका स्वरूप देखते हैं। सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैन्य शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। अन्य प्रतिपादक है महादेव गोविंद रानाडे 1872 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई थी। तो ये हमने देखा धन के बहिर्गमन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर धन के बहिर्गमन का क्या प्रभाव पड़ता है। अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होता है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, प्रभाव क्या होता है, किसानों को हानि। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि, गरीबों में वृद्धि। नगदी फसलों को महत्व, खाद्यान्नों की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसका कारण क्या रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण है। प्रमुख कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां। तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी में बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया गया। मंगल पांडे एजुडेट पर हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं। घटनाक्रम 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है। 11 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर इनकार हो जाता है। क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी है। इसके नेतृत्व करता है
यहाँ पे आप स्थान देख सकते हैं, इस तरफ नेतृत्व करता है बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब धोधू पंत, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, असम से दीवान मनीराम दत्त, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। और इसका कथन क्या है, इसमें क्या क्या कथन कहे गए हैं 1857 की क्रांति के ऊपर? सर जेम्स आउट्रम जब्लू टेलर का कथन है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। जॉन लॉरेंस सीले केवल सैनिक विद्रोह है। टी आर होम्स के अनुसार बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। बी डी सावरकर के अनुसार स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। आर सी मजूमदार ने कहा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें हैं, इस तरफ लेखक दिए गए हैं, इस तरफ पुस्तक है। वी डी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एस एस सेन की 1857, सर सैयद अहमद खान की असबाब ए बगावत अ हिंद, आर सी मजूमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक रहे हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। परिणाम घोषणा के बारे में देखते हैं। भारत में कंपनी के शासन का समापन, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन आ गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगी, धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति लाई गई, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग, सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान, भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। आप देखते हैं अन्य जन आंदोलन, पहला है इसमें संथाल विद्रोह, यह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में, आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कुंभ में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। नेतृत्व किया था सीधो कान्हो चांद एवं भैरव नामक चार भाई ने। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया हुआ था। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हो गई। नेक्स्ट है पागल पंथ, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, करम शाह द्वारा प्रारंभ किया गया, जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन था टीपू शाह के द्वारा। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, अन्य नाम है इसका उल गुलान, महाल महान हलचल, समयावधि है 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य। बिरसा मुंडा जगत पिता धरती आबा, अन्य नाम है इनका बोंगा, अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आवाहन किया गया। तो ये हमने देखा मुंडा विद्रोह के बारे में जो हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। नेक्स्ट आप देखते हैं वहावी आंदोलन, उपलब्धि है अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। प्रवर्तक है सैयद अहमद बरेलवी, भारत में प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बंगाल बिहार मध्य प्रांत आदि। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया। बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता थे मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं कूका आंदोलन, प्रारंभ हुआ था 1840 के दशक में भगत जवाहरमल सियान साहब के द्वारा। कूका आंदोलन का उद्देश्य है सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। नेक्स्ट है नील विद्रोह, समय है इसका 1859 से 60 ईस्वी के मध्य। प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास तथा विश्व विश्वास है। प्रसार क्षेत्र है नदिया, पापना, खुलना, ढाका, मादना, मालदा, दीनाजपुर आदि। समर्थन हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किया गया था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया है। अब देखते हैं भारत, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था मदरसा। प्रथम प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन है। फारसी अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी गई इसमें। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई।
1991 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म साहित्य और कानून का अध्ययन। तो ये है संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस के बारे में। नेक्स्ट है चार्ल्स विल्किंसन, भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करवाया, प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखित है। सर विलियम जोन्स के बारे में देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक है ये। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच का वुड्स डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता बंबई और मद्रास रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है हंटर आयोग 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में गठित किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग, वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए गठित की गई। विचार है विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। सर विलियम जॉन्स द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी डी के कर्वे के प्रयत्नों से। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी डी के कर्वे ने। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में देखते हैं, बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। जे ए हिक्की 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया, पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया 1882 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। प्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमदी प्रज्ञा का चांद बांग्ला में, मीरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन किया। इंडियन मिरर अखबार है, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है गदर, गदर पार्टी का मुख्य पत्र साप्ताहिक पत्र है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया उर्दू भाषा में। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी इसका प्रकाशन किया गया। मराठी हिंदी अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन किया गया। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी आया था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। अन्य पॉइंट देखते हैं, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका है। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया गया 1903 में। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर, हिंदी गुजराती तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह इसके संस्थापक हैं। रामकृष्ण पिल्ले जन्म हुआ था 1878 ईस्वी में, स्वदेशाभिमानी के संपादक हैं। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हैं हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र है। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पच्छित है। हिंदू पेट्रियार्ट प्रथम संपादक 1853 से 55 के मध्य किया गया गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। 1855 ईस्वी से नए संपादक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन इसमें किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशन किया गया। लाला लाजपत राय वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन किया। द पीपल्स अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय ने।
कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन किया जवाहरलाल नेहरू एवं रफी अहमद किदवई द्वारा किया गया। रास्त गुफ्तार नाना भाई नरोजी से संबद्ध पत्र है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र है। अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में पहले देखते हैं। यह प्रथम भारतीय हैं, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इनकी उपाधियां हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत। ये सभी इनकी उपाधियां हैं। आत्मीय सभा इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। स्थापना वर्ष 1815 ईस्वी। उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अकबर द्वितीय, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 ईस्वी में विस्टन इंग्लैंड में। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, विरोधी मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा के विरोधी थे। नेक्स्ट देखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराए। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध कथन है अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आर्य समाज स्थापना किया था अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में। उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मुख्यालय लाहौर में था। नारा दिया वेदों की ओर लौटो। उपाधि है भारत का मार्टिन लूथर किंग। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का विभाजन के बारे में देखते हैं। प्रथम गुट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे लाला लाजपत राय। हंसराज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। द्वितीय गुट पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे स्वामी। इसमें आते हैं स्वामी श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम। गुरुकुल कांगली की स्थापना किया था इन्होंने 1902 ईस्वी में। अब देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में बंबई में। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। प्रेरणा मिली थी केशव चंद्र सेन से। प्रमुख उद्देश्य है जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट पॉइंट है इस तरफ संस्था दी गई है। इस तरफ संस्थापक या सदस्य हैं देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्य शोधक समाज के हैं ज्योतिबा फुले। धर्म सभा के राजा राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन के हैं शिव दयाल साहब स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा के हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुजन समाज के हैं मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जाधव। विडो रिमेरिस के हैं विष्णु परशुराम। विडो रिमेरिस एसोसिएशन के हैं विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। तो ये हमने देखा संस्था, संस्थापक और उनसे संबंधित सदस्य। नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में देखते हैं। 1872 ईस्वी में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान किया गया। लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। अन्य नाम है इसका ब्रह्म विवाह अधिनियम। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखते हैं। लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। अन्य नाम है देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। मुंह बंद करने वाला अधिनियम ही कहते हैं। प्रमुख कथन है अर्सकिन पेरी का विपरीत कामी और असंगत। एस एन बनर्जी का आकाश से वज्रपात। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित की गई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी अन्य नाम है इसका जमींदारी एसोसिएशन। स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर राधाकांत देव आदि हैं। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में। संस्थापक है एम जी रानाडे जी वी जोशी। नेक्स्ट है द इंडियन एसोसिएशन अन्य नाम है भारत संघ। स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में।
इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। संस्थापक सदस्य हैं राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र आदि। नेक्स्ट है सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, स्थापना वर्ष है 1877 ईस्वी में कलकत्ता में। संस्थापक हैं सैयद अमीर अली, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष है 1885 ईस्वी। संस्थापक हैं फिरोज मेहता, के जी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बम्बई के त्रिमूर्ति भी कहते हैं। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन के बारे में देखते हैं, अवधि है 28 से 30 दिसंबर 1885, स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में, अध्यक्ष थे विवेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, अध्यक्ष है दादा भाई नरोजी। तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट है जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष हैं। 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जनगण मन का प्रथम गायन किया गया इस कांग्रेस अधिवेशन में, अध्यक्ष थे विशन नारायण हर। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर में। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई, अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। जे बी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण तथ्य है बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजनी। शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। प्रमुख गरमपंथी नेता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। प्रमुख नरमपंथी नेता हैं दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी आदि। अब देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला है अभिनव भारत समाज 1904। 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, संस्थापक है वी डी सावरकर का ही परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 ईस्वी में। संस्थापक है केशव बलिराम हेजगेवार, मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी हैं। युगांतर संबंध संगठन है अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, अन्य नाम है बाघा जतीन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई थी, स्थान कानपुर में। संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, अध्यक्ष हैं इसके राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन एक्शन, पूर्व नाम है काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, स्थान काकोरी, आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ। पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था। 26 क्रांतिकारी आरोपी 40 से 43 गिरफ्तार। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। क्रांतिकारी फांसी स्थल राम प्रसाद बिस्मिल का है गोरखपुर, अशफाक उल्ला का अयोध्या पूर्व नाम फैजाबाद, रोशनलाल का प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी का फांसी स्थल है गोंडा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1928 ईस्वी, स्थान दिल्ली, स्थापना चंद्रशेखर के नेतृत्व में। अब देखते हैं भगत सिंह के बारे में, दिसंबर 1928 ईस्वी में सैंडर्स की हत्या किया, 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका,
बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी के तट पर किया गया। इंकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट अब देखते हैं अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 63 दिन तक की थी। जतिन दास ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अरविंद घोष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में एक जिला अधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की दो स्कूली छात्राओं के नाम थे शांति घोष और सुनीति चौधरी। अब देखते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्याम जी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया। इंडिया हाउस की आधारशिला इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है गदर पार्टी, स्थापना 21 अप्रैल 1913 में की गई। उद्देश्य पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, स्थापना वर्ष है वर्ष 1913। संस्थापक सोहन सिंह भाकना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी पड़ा। पथ प्रदर्शक है लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। स्वयं राष्ट्रपति बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के बारे में देखते हैं। जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 ईस्वी में। पिता सोराब जी फ्रॉम जी पटेल, पति रुस्तम के आर कामा निजी सचिव। दादा भाई डरोजी की निजी सचिव थी। स्टुटगार्ट जर्मनी तिरंगे झंडे के एक प्रारंभिक रूप को फहराया था। अन्य नाम है इनका भारतीय क्रांति की मां। तो ये हमने देखा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के बारे में। अब देखते हैं कामा गाटा मारू क्या है। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत है। भारत के गुरदित सिंह ने जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाया। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। सोर कमेटी का गठन यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु किया। हुसैन रहीम बलवंत सिंह सोहन लाल पाठक ने अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह बरकतुल्ला रामचंद्र सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। नेक्स्ट देखते हैं राज बिहारी बोस के बारे में। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 15 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में निर्णय की घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में मनाया गया। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर प्रावधान बंगाल का विभाजन दो भागों में किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का प्रावधान पश्चिमी बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार आते हैं और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम नया प्रांत। मुख्यालय इसका ढाका में है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को ऐतिहासिक बैठक स्थान कलकत्ता का टाउन हॉल ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। कृष्ण कुमार मित्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। नेतृत्व देखते हैं तो लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में लोक नेतृत्व किया था, विशेषकर बंबई और पुणे में। अजीत सिंह लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली ने, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। स्वदेश बांधो समिति अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही। किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन का जुड़ाव हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों की होली जलाने के आलोचक थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। अवीन्द्रनाथ एवं
गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया 12 दिसंबर 1911 को जार पंचम द्वारा बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की हुई थी। दिल्ली दरबार 1911 में अभिवृत्त के अंतर्गत देखते हैं प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर की गई। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी। पारित प्रस्ताव है इसमें स्वराज, विदेश, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, अध्यक्ष थे राज बिहारी घोष। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, परिणाम कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ दिसंबर 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ, अन्य नाम है कांग्रेस लीग पैक्ट। मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं, गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्ला खान द्वारा लाया गया। मुख्यालय लखनऊ में प्रथम अध्यक्ष आगा खान। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कट्टरता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। प्रमुख अधिवेशन 1907 का कराची अधिवेशन, 1908 का अमृतसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। तो ये हमने देखा मुस्लिम लीग के बारे में। अब देखते हैं दादा भाई नरोजी के बारे में। भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय, पार्टी उदारवादी दल सीट फिंसबरी 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में एवं 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत किया। गोखले का कथन है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नरोजी में है। तो ये हमने देखा दादा भाई नरोजी के बारे में। अब देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो मार्ले हैं ये हैं जॉन मार्ले, भारत के सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हैं। इसलिए इस भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के समय ये दोनों लोग सचिव और वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष। गांधी जी का कथन है, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे जिन्ना और तिलक। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग। स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव एन सी केलकर। कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार। एनी बेसेंट की होम रूल लीग स्थापना हुई थी सितंबर 1916 में। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। सचिव जॉर्ज अरुंडेल। कार्य क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्र। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेवियन सोसाइटी की सदस्य थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। आप देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता करमचंद गांधी, कबा गांधी।
महात्मा गांधी से संबंधित विशिष्ट तथ्य देखते हैं। 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। 1899 में द्वितीय आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान नाटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना किया। वर्ष 1902 में विधि कार्यालयों की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया। वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया डरबन दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 1906 में सत्याग्रह के विचार के प्रणेता बने। वर्ष 1910 में टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। वर्ष 1913 में सीएरएल निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। वर्ष 1914 में करों के उन्मूलन भारतीय विवाहों की मान्यता और भारतीयों के दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह किया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया अहमदाबाद। मूल रूप से जीवन लाल देसाई का कोच रब स्थित बंगला में। अब देखते हैं महात्मा गांधी के सिद्धांत। दार्शनिक अराजकतावादी राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। सत्याग्रह रणनीति सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र उपवास अग्निबार है। अंतिम अस्त्र हड़ताल। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं शत्रु का हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। इच्छा राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रयोग। राजनीतिक अस्त्र सत्याग्रह नैतिक शक्ति सत्य के प्रति आग्रह। अब देखते हैं भारत में महात्मा गांधी का उद्देश्य। पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में। भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन नील की खेती की तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी का चंपारण आगमन हुआ। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार हुए। अंत में ब्रिटिश सरकार शोषणकारी तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने पर सहमत हुई। चंपारण संघर्ष भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 ईस्वी में। कारण गुजरात के खेड़ा में सूखे के कारण फसल का बर्बाद होना। सरकार द्वारा लगान में छूट देने से मनाही। संपूर्ण लगान वसूल करने पर उतारू। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल विठल भाई पटेल एवं इंदुलाल याज्ञिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में किसानों को रियायतें दी गई। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल। मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस देने से इनकार। अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया। प्रसिद्ध कथन है विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। हरिजनों की सेवा मेरा जीवन है इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत हैं जॉन रस्किन से महात्मा गांधी ने प्रेरणा ली है। सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादक की प्रेरणा थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना टॉल स्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं आत्मनियंत्रण महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है। डरबन दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने गए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। बंबई विधि कार्यालय की स्थापना की। जून 17 1917 में सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी टाइम्स पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित किए गए। वर्ष 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया। वर्ष 1937 से 1948 ईस्वी के मध्य महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे साथ प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अन इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नोआ खली प्रवास 1946-47 के दौरान महात्मा गांधी के सचिव थे निर्मल कुमार बोस। भारत के प्रति
ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया जमना लाल बजाज ने। दक्षिण अफ्रीका में प्राण जीवन मेहता ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। दक्षिण अफ्रीका में प्राण जीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी सेवा संघ के संपादक थे जमना लाल बजाज। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया वर्ष 1934 में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब देखते हैं किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। यूपी किसान सभा स्थापना हुई थी फरवरी 1918 ईस्वी में। संस्थापक सदस्य हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, सहजानंद सरस्वती संस्थापक। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक हैं सहजानंद सरस्वती। वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। अन्य नाम है किसान प्राण। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण नाम दिया गया है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। प्रथम सत्र के अध्यक्ष रहे हैं स्वामी सहजानंद। स्थान है लखनऊ। नाम परिवर्तन अखिल भारतीय किसान सभा किया गया। महासचिव हैं प्रथम सत्र के एनजी रंगा। अध्यक्ष हैं द्वितीय सत्र के एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य हैं जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, भू राजस्व की दर को कम करना। बाबा रामचंद्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंध है। मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। फिजी में मजदूर रहे हैं। अवध के किसानों को संगठित किया इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य है वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की बारदोली की महिलाओं ने। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था तिभागा किसान आंदोलन। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया विनोबा भावे के द्वारा। अब देखते हैं एका आंदोलन के बारे में। नेतृत्व किया था पिछड़ी जाति के मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। मुख्य शिकायत जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई बाराबंकी बहराई सीतापुर आदि हैं। विरोध का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि। उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा 50% से अधिक लगान वसूली। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। पहला इसमें मद्रास मजदूर संघ संस्थापक हैं वीपी वाडिया। स्थापना वर्ष 1918 भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन है। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1918 संस्थापक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना संस्थापक हैं एन एम जोशी एवं अन्य सहयोगी। स्थापना तिथि है 31 अक्टूबर 1920 स्थान बंबई में। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमने देखा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है वर्ष 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम एन राय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम एन राय ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी सौमेंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट लॉर्ड जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए? अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े जन आंदोलन को चिंगारी दी। महात्मा गांधी इस एक्ट के विरोध में थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया, सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में। पंजाब में हिंसा भड़की, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सफरुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तिथि है 23 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग, यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं। सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ज एडवर्ड हेरिडियर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। अब देखते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन है। वर्ष 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष क्या निकला? दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं, डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल। हंटर कमीशन के बारे में देखते हैं। तीन भारतीय भी सदस्य हैं, एच सी सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद। नेक्स्ट है कर्नल रेगिनेल्ज एडवर्ड हेरिडायर के बारे में देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दी गई विभिन्न उपाधियां हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश अखबार के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा मान की तलवार, मॉर्निंग पोस्ट अखबार के द्वारा। तो ये हमने देखा कर्नल रेगिनेल्ज एडवर्ड हेरिडायर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 1919 में। हाजिक उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। वर्ष 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत कमेटी, इसके प्रमुख सदस्य हैं हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली मोहम्मद अली को जाता है। प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन। तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर के मुसलमानों में रोष का कारण था। गतिविधि, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ किए। 23-24 नवंबर 1919 स्थान दिल्ली, 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। तो ये हमने देखा खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। विशेष क्या है? स्थान कलकत्ता में सितंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावक है महात्मा गांधी और इसके विरोधी थे सी आर दास, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट आदि। वार्षिक स्थान नागपुर, दिसंबर 1920। असहयोग प्रस्ताव सी आर दास प्रस्तावक द्वारा, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। सफलता देखते हैं, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश की जनता संगठित जनता को
इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश की जनता संगठित हुई, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, जनता में आजादी की भावना जगी थी। चौरी चौरा कांड के बारे में देखते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 सिपाहियों की मृत्यु। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ये जो असहयोग आंदोलन था, ये चौरी चौरा घटना के बाद में स्थगित कर दिया गया। उपाधियों का अंत किया कैसर ए हिंद महात्मा गांधी ने, राय बहादुर जमनालाल बजाज ने। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। डॉक्टर मुंजे द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस वाराणसी में की गई। वर्ष 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में। वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? राष्ट्रवादी भावना देश के कोने कोने में पहुंच गई। राष्ट्रीय स्वदेशी संस्थानों की स्थापना हुई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी देखते हैं। मध्य वर्ग आंदोलन के निचले तबके तक मध्य वर्ग आंदोलन को निचले तबके तक ले गए, बहिष्कार को गंभीरता से नहीं लिया। महिला वर्ग पर्दा का त्याग किया। विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारी वर्ग आर्थिक बहिष्कार का समर्थन किया। किसान वर्ग ने व्यापक भागीदारी की, जमींदारों और व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। छात्र वर्ग की सक्रिय भागीदारी रही। सरकारी कॉलेज स्कूल आदि का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व और उनकी भूमिका देखते हैं। महात्मा गांधी आंदोलन के पीछे मुख्य भूमिका रही। वर्ष 1920 में एक मुख्य पत्र की घोषणा किया। चितरंजन दास वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। उनके 3 सहयोगियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ सासमल, चटगांव में जे एम सेन गुप्ता, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहन किया। आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। मोहम्मद अली अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैर कानूनी था। मोतीलाल नेहरू अदालतों का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय ने प्रारंभ में आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बाद में इसकी वापसी के खिलाफ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में आंदोलन का प्रसार किया। अब देखते हैं 1923 के चुनावों में भाग लेने हेतु कांग्रेस में मतभेद के बारे में। अपरिवर्तनवादी मत विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे। संबंधित व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी आदि। परिवर्तनवादी में संबंधित व्यक्ति हैं चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि। स्वराज पार्टी का गठन किया। मत विधान परिषदों का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु हो, तो यहाँ पे ये मत किया गया है इसके इसके पक्ष में, और यहाँ पे विधान परिषद में प्रवेश के विरोध के रूप में मत किया गया। अब देखते हैं स्वराज पार्टी 1923 के बारे में। स्थापना हुई जनवरी 1923 में। मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना। संस्थापक हैं सी आर दास, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, महासचिव। अन्य प्रमुख नेता हैं श्रीनिवास आयंगर, एन सी केलकर। महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य पॉइंट। प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। वर्ष 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचन योग्य 105 में से 42 सीटें जीती। वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। माउंट एंग्यू जेम सपोर्ट सुधारों की कमियों को उजागर किया। चितरंजन दास के बारे में देखते हैं, इनकी उपाधि है देश बंधु। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई किया। वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया।
मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 एवं 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। 1920 के दशक के दौरान भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखते हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने लोगों का मोह भंग कर दिया। लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित नहीं थे, वे इसके प्रति आकर्षित थे कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आजादी दिला सकते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल के बंदी जीवन और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पाथेर डाबी जैसे उपन्यासों और किताबों ने भी क्रांति को बढ़ावा दिया। जॉन सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में दिसंबर 1928 के बारे में देखते हैं। पृष्ठभूमि है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के फलस्वरूप उनका निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्र का अपमान माना। जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या भगत सिंह के नेतृत्व में की गई। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के प्रति विरोध जताते हुए उद्देश्य अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 के बाद की गतिविधि क्या है? बम कांड के आरोपी स्वेच्छा से गिरफ्तार हुए। इन्होंने प्रचार व मांगों हेतु ट्रायल कोर्ट का उपयोग किया। बम कांड के आरोपियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी। उद्देश्य पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना। अप्रैल 1930 में घटित हुई। छापा सफल रहा। सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फरवरी 1923 में सूर्यसेन गिरफ्तार और जनवरी 1934 में फांसी दी गई। लाला लाजपत राय को एक नजर में देखते हैं। 28 जनवरी 1865 को जन्म हुआ। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किया। लाहौर में आर्य राजपत्र के संस्थापक संपादक हैं। हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में घायल होने से निधन हो गया। प्रकाशन द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन 1908, द आर्य समाज 1915, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज Impressions and a Study 1916, Young India 1916, England Debt to India 1917। तो ये कुछ प्रकाशन हैं इनके। अब देखते हैं भारतीय सांविधिक आयोग साइमन कमीशन वर्ष 1927 के बारे में। गठन का प्रावधान क्या है? 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। गठन नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा किया गया। संरचना इसमें अध्यक्ष जॉन साइमन, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, सभी अंग्रेज सदस्य थे। क्लीमेंट इटली भी एक सदस्य थे। विरोध किया गया, सभी सदस्य गैर भारतीय, श्वेत कमीशन का नाम दिया गया। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बंबई आगमन, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। नारा साइमन वापस जाओ। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में। अब देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के बारे में। लाहौर अधिवेशन
आयोजन किया गया दिसंबर 1929 में स्थान लाहौर कार्यक्रम 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव का पाठन। घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित की गई। महत्वपूर्ण निर्णय, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने के लिए। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, घोषित संकल्प गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी सबने अयोग्या आंदोलन प्रारंभ करेगी। स्वराज शब्द का तात्पर्य है स्वतंत्रता। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त हुई। सबने अयोग्या आंदोलन 1930 के बारे में देखते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक रहा। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। सबने अयोग्या आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से दांडी से प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नमक कानून के उल्लंघन हेतु गांधी जी सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। घटनाक्रम देखते हैं। महात्मा गांधी गिरफ्तार होते हैं 5 मई 1930 को यरवदा जेल। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद यरवदा जेल इन्हें ले जाया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बनते हैं। अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। 21 मई 1930 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खुदाई खिदमतगार का संगठन किया गया। संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन नेतृत्व करता रानी गैजिन लियू नगा जनजाति की महिला है। नेक्स्ट अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में। मध्यस्थ तेज बहादुर सप्रू एम आर जयकर ने किया। वार्ता फरवरी 1931 में प्रारंभ दिल्ली में हुई थी। समझौते की तिथि है 5 मार्च 1931। सरोजिनी नायडू का कथन है गांधी और इरविन दो महात्मा। गांधी इरविन समझौते के बिंदु हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अयोग्या आंदोलन स्थगित करने को तैयार हुई। सभी राजनैतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। महत्वपूर्ण कथन इरविन के जीवनीकार एलिन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे सांत्वना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। अब देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 के बारे में। उद्देश्य है गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारित प्रस्ताव मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। गांधी जी का कथन है गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित। अन्य मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। पूर्ण स्वराज विशेष तथ्य क्या है। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी धर्मों के संबंध में राज की तटस्थता, जाति पंथ लिंग पर ध्यान दिए बिना कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र भाषण प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता के बुनियादी नागरिक अधिकार,
सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, कृषि, ऋणग्रस्तता से राहत और सूदखोरी पर नियंत्रण, निर्वाह मजदूरी के साथ श्रमिकों हेतु बेहतर स्थिति, श्रमिकों और किसानों आदि को संगठित करने और संघ बनाने का अधिकार। अब देखते हैं गोल मेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोल मेज सम्मेलन आयोजन किया गया 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य। विशेष क्या है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व तो के जी पाल द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स फंसम द्वारा किया गया। अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। स्थान लंदन। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 89। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, बी एस मुंजे, एम आर जयकर आदि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। भागीदारी रही सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि एस एस राजपूताना जल पोस्ट से लंदन गए। लंदन के किंसले हॉल में ठहरे। स्वदेश वापसी पर महात्मा गांधी का बयान, यह सच ही है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन अवधि है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। विशेष क्या है, कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता पैक्ट के बारे में देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, यर्वदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, शेष हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने। महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, ये नोट करके दिया गया है, ध्यान रख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया। गांधी जी समेत अधिकांश नेता गिरफ्तार हुए। मार्शल लॉ स्थापित करने हेतु अध्यादेश पारित। वर्ष 1934 में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिया गया। वापस लेने का कारण लोगों को अगली लड़ाई के लिए आराम करने और फिर से संगठित होने की आवश्यकता थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन है। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने किया था। आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। पुरुषों ने वर्दी के रूप में चमकदार लाल शर्ट जबकि महिलाओं ने काले कपड़े पहने। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेता गिरफ्तार हो गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के बारे में देखते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। इसमें अक्टूबर नवंबर 1924 में बंबई में नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। महासचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखते हैं। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंध रहे। उपाधि लोक नायक। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में भारत रत्न सम्मान दिया गया मरणोपरांत। विभिन्न पॉइंट देखते हैं।
घटनाएं संबद्ध तिथि है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 26-31 मार्च 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिस्प्लेट क्लॉसेस एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, यह कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल गठन 1937 के बारे में देखते हैं। जुलाई 1937 छह प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित की गई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बंबई, मध्य प्रांत एवं बरार, उड़ीसा और बिहार में। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, संयुक्त प्रांत उड़ीसा, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार में। कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत में रहा, बंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? नागरिक स्वतंत्रताएं, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त किए गए, हिंदुस्तान सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए, प्रेस प्रतिबंध हटा लिए गए, सविनय अवज्ञा से अवज्ञा से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल की गई, समाचार पत्रों को काली सूची से बाहर किया गया, जब्त किए गए शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए, राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों की रिहाई की गई। कृषि सुधार के बारे में देखते हैं, काश्तकारी कानून लाया गया, साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई, कांग्रेस जमीनों को उनके मूल मालिकों को वापस दिलाने में सफल रहती है। अब देखते हैं सामाजिक कल्याण सुधार के बारे में, हरिजनों हेतु मंदिरों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग आदि, प्राथमिक तकनीकी और उच्च शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, खादी को प्रोत्साहन दिया गया, कारागार जेल में सुधार किया गया, स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना के विकास के प्रयास किए गए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा 28 माह का। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में, जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में संयुक्त प्रांत सरकार 1937, प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रफी अहमद किदवई के अंडर में था। कांग्रेस शासन का महत्व देखते हैं, भारतीयों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रम को दूर कर दिया कि भारतीय शासन करने के योग्य नहीं, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। इस बात की पुष्टि हुई कि आमूल चूल परिवर्तन हेतु स्वशासन आवश्यक, अफसरशाही का मनोबल गिर गया। परिषद के कार्यों ने कई पूर्व विरोधी तत्वों, जमींदारों आदि को बेअसर करने में मदद की। देसी रियासतों के बारे में देखते हैं, बटलर समिति गठन हुआ था वर्ष 1927 में, अन्य नाम है भारतीय रियासत समिति। उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ था वर्ष 1947 में।
अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 ईस्वी के मध्य, प्रारंभ वर्ष है 1939। कांग्रेस का प्रस्ताव, युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिनलिथगो की गतिविधियां हैं, भारतीय विधान मंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा किया। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलेन। समय है इनका 1937 से 40 और इसके बाद आते हैं विंस्टन चर्चिल। इनका समय है 1940 से 1945 तथा 1951 से 1955। अब देखते हैं पाकिस्तान की मांग के बारे में। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था वर्ष 1930 में, इसके अध्यक्ष थे इकबाल। अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई। लाहौर अधिवेशन अवधि है 22 से 24 मार्च 1940 तक। अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मांग भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की गई। अध्यक्षीय भाषण एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं, मान्यता जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया गया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया। चौधरी रहमत अली के बारे में देखते हैं। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। पैफलेट नाउ और नेवर और वे टू लिव और पेरिस फॉर एवर। पाकिस्तान नामकरण इन पांच राजनीतिक इकाइयों के नाम पर किया गया। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नोट करके दिया गया है। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में एवं क्रिप्स मिशन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में देखते हैं। इसके अध्यक्ष हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को दिया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया। तो ये देखा क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। क्रिप्स मिशन उत्तर तिथि चेक, महात्मा गांधी ने कहा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। भारत के लिए आश्वासन, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। महात्मा विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना की गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। नारा दिया गया करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 6 से 14 जुलाई 1942 के मध्य हुई थी। स्थान वर्धा में हुई थी। अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे। पारित प्रस्ताव भारत छोड़ो, भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं मौलाना अबुल पट्टाभि सीतार मैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जे बी कृपलानी, जी बी पंत, सरोजनी नायडू, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र बोस, सैयद महमूद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के बारे में देखते हैं। वार्षिक बैठक
7 से 8 अगस्त 1942 में हुई स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बम्बई में विशेष क्या है? वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि करता है। 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव स्वीकार किया गया थोड़े बहुत संशोधन के साथ। घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की गई। भारत छोड़ो आंदोलन इसके प्रस्तावक हैं जवाहरलाल नेहरू, समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आलेख महात्मा गांधी नेहरू मौलाना आजाद के सहयोग से लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प अंग्रेजों की वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित। भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। फांसीवाद और साम्राज्यवाद के सभी रूपों के विरुद्ध खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति के बारे में देखते हैं। आरंभ 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर। गिरफ्तारी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की गई। इस तरफ कैद स्थल इस तरफ व्यक्ति दी गई हैं। आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी सरोजनी नायडू को रखा गया। अहमदनगर किला जवाहरलाल नेहरू अब्दुल कलाम आजाद गोविंद वल्लभ पंत डॉक्टर पी सी घोष पट्टाभी सीतार मैया सैयद महमूद जे बी कृपलानी को रखा गया अहमदनगर किले में। बांकीपुर जेल पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास। स्वतः स्फूर्त आंदोलन शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस रेडियो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण करते थे। उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। लुई फिशर के बारे में देखते हैं। यह अमेरिकी पत्रकार हैं। महात्मा गांधी के जीवनीकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। भारत की स्वतंत्रता की मांग की थी। महत्वपूर्ण तथ्य है करो या मरो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था वायसराय लिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रहा था पृथक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन पट्टाभी सीतार मैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरणा शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा किया गया 6 मई 1944 को। समानांतर सरकार की स्थापना देखते हैं। तलचर अवस्थिति उड़ीसा में अवधि कुछ समय तक समानांतर सरकार थी। बलिया समय अगस्त 1942 में नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। सतारा में यह महाराष्ट्र में है अवधि है अगस्त 1943 से मई 1946 के मध्य। विशेष क्या है? सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार है समानांतर सरकार। प्रति सरकार नामकरण प्रमुख नेता वाई बी चौहान नाना पाटिल तामलुक। यह मिदनापुर बंगाल में स्थित है अवधि है दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 के मध्य। जाति सरकार तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। सिंगा सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। इनकी जन्म तिथि है 23 जनवरी 1897 को। जन्म स्थान कटक ओडिशा। स्नातक की उपाधि वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेते हैं। भारतीय नागरिक सेवा वर्ष 1920 में उत्तीर्ण करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में बनते हैं। संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939 में। विशेष क्या है? वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। उपाधि दी गई नेताजी की देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के गठन की वास्तविक रूपरेखा देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन प्रारंभ हुई थी फरवरी मार्च 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। प्रथम डिवीजन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई। प्रदत्त दायित्व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण। काउंसिल ऑफ एक्शन गठन किया गया।
प्रतिनिधित्व समिति का गठन किया गया। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में यह प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं लाल किला। लाल किला मुकदमा नवंबर 1949 में इसके अभियुक्त हैं राशिद अली, जिन्हें 7 वर्ष का कारागार मिला था, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, साहन वास को आजीवन निर्वासन के लिए आजीवन निर्वासित किया गया था। आजाद हिंद फौज बचाव समिति नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई, प्रमुख है इसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारजू सदस्य हैं, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया गया। नोट करके दिया गया है सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे हिंदी में ही इसे आजाद हिंद फौज कहा जाता है। नोट करके यहाँ पर दिया गया है कमांडर इन चीफ अचिन लेक ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे की सजा को माफ कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। इसके शिष्टमंडल में इसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड पैथिस लॉरेंस, भारत मंत्री हैं, अन्य सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हैं ए बी एलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री हैं। सुझाव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का देते हैं। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु हैं मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। संविधान सभा के बारे में देखते हैं। प्रथम अधिवेशन तिथि है 9 से 23 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। महात्मा गांधी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार से होगा। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924 ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। एम एन राय औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप दिए। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये हमने देखा संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आए, जिसमें निर्वाचित सदस्य 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य दल प्लस स्वतंत्र उम्मीदवार थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अंतरिम सरकार के बारे में देखते हैं। गठन के लिए निमंत्रण 12 अगस्त 1946 को दिया गया वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को। घोषणा 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की। गठन 2 सितंबर 1946 को। प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के अंतर्गत था। विदेश मामले देखते थे जवाहरलाल नेहरू। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में देखते हैं। कंपनी के शासन हेतु प्रमुख अधिनियम, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रशासन को दूर करना इसका उद्देश्य था। प्रावधान किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन लाई गई। बंगाल का गवर्नर, बंगाल के अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके मुख्य प्रावधान हैं कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति लाई गई। कंपनी के
व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। चार्टर एक्ट 1786 गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च का प्रावधान प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देखते हैं। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित मैकाले प्रथम विधि सदस्य हैं। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा निश्चित होगा। धन कंपनी देगी। डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम देखते हैं। पहला इसमें भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। भारत का सचिव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदान किए गए। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय किया गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है वायसराय। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की सलाह दी गई। कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत में विभागीय प्रणाली के जनक हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। बंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधित करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। अन्य नाम है मार्लेमिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कथन है गांधी जी का, मार्लेमिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड का, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखते हैं। इसका अन्य नाम है मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। इससे पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित हस्ताक्षरित विभाजित हुआ। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके प्रावधान है गठन किया गया संघीय लोक सेवा आयोग का। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। स्वायत्तता प्रांतों को दी गई। उत्तरदायी शासन प्रांतों को दोहरे शासन के आधार स्थान पर दिया गया। गवर्नर अध्यादेश गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विस्तार किया गया सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का आधार स्रोत भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक हुआ। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों के मध्य हुआ। स्थापना फेडरल न्यायालय की गई। जवाहरलाल नेहरू का कथन है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार दास्ता का आज्ञा पत्र अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में नोट करके दिया है गया है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हुई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्र सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त हुआ।
अब विविध के पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रवादी नेत्री, स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर हम देख रहे हैं अरुणा आसफ अली के बारे में। तो यह राष्ट्रवादी नेत्री हैं, स्वतंत्रता सेनानी, मूल नाम है अरुणा गांगुली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख संगठनकर्त्री हैं। महत्वपूर्ण भूमिका रही है कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में। 1858 ईस्वी में दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई। प्रकाशन पेट्रियट समाचार पत्र और लिंक पत्रिका का किया। तो ये हमने देखा अरुणा आसफ अली के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ विविध पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया 1961 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय तथा जदुनाथ बोस। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई थी सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के तीन प्रमुख नेता थे चीतू, बासिल मोहम्मद तथा करीम खान। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था ल्यूमियरे बंधुओं फ्रांस के द्वारा। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत का आर्थिक विकास के बारे में। गांधी जी ने लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। नेक्स्ट है राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट राइटर्स के लिए। वास्तुविद हैं थॉमस लिवान। अब देखते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में। क्लीमेंट आर इटली के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल है वर्ष 1945 से 1951 के मध्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। भारत की स्वतंत्रता के समय घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की हाउस ऑफ कॉमन्स में। जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। बयान ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। नियुक्ति बेबिल के स्थान पर माउंटबेटन की किया था वायसराय के पद पर। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देखते हैं। पद ग्रहण 24 मार्च 1947 को किया। निष्कर्ष भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में लाई गई। तैयार भारत विभाजन की योजना आई थी। बाल्कन प्लान गुप्त प्लान है। यह एक वैकल्पिक योजना है। गठित सीमा आयोग पंजाब सीमा आयोग अध्यक्ष है सिरिल रेडक्लिफ। बंगाल सीमा आयोग के लिए गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। तो ये हमने देखा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। आर को प्लैंच का कथन है भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। के एम पड़िक्कर का कथन है ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचली का विचार है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कांग्रेस महासमिति के द्वारा 15 जून 1947 को दिल्ली में। कांग्रेस अध्यक्ष ने जे बी कृपलानी प्रस्तुत किया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। समर्थन किया मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष ने जे बी कृपलानी नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक। नवंबर 1947 में जी बी कृपलानी का त्यागपत्र दिया गया। जी बी कृपलानी के द्वारा जे बी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1948 में पट्टाभि सीतारमैया बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन। 1951 से 54 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो ये हमने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। पंजाब प्रांतीय
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे विभाजन के प्रबल विरोधी। वर्ष 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे वी आर अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज कस्टम। अब देखते हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। यहाँ पर आमार सोनार बांग्ला गीत के बारे में देखते हैं। रचना हुई थी 1950 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंग भंग आंदोलन के दौरान। संगीत गगन हर कारा के गीत अमी कोढ़े पाबू तारे से प्रेरित है। प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुई। अंग्रेजी अनुवादक हैं सईद अली एहसान। महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, मूलतः गुजराती भाषा में है। ब्रिटिश संसद की बांझ और बेसिया से तुलना की गई है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट एक तरफ यहाँ पे लेखक लेखिका दिए गए हैं, इस तरफ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी के है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ चित्तरंजन दास। सी आर दास के है इंडिया फॉर इंडियंस। डी पी मिश्र की है लिविंग एन एरा। अरविंद घोष की द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भगत सिंह की मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। लेडी कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। डोमिनिक लापियर एवं लेडी कॉलिंस की है फ्रीडम एट मिडनाइट। डब्ल्यू ए फियर सर्विस की है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की है दुर्गे स्तंदिनी। अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की श्रीमद भागवत गीता रहस्य। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। मनु बहन बापू माई सदर। राजा राम मोहन राय की है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। W.W. हंटर की द इंडियन मुसलमान्स। वैलेंटाइन सिरोल की इंडियन अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण की स्टूट्स स्ट्रगल। ह्यूग टोयो की द स्प्रिंग टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। माइकल मधुसूदन दत्त की द कैप्टिव लेडी। सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग। सचिंद्र नाथ सैनल की बंदी जीवन। एम जी देवा सहायाम की भारत की दूसरी स्वतंत्रता। ले जनरल ब्रज मोहन कौल की द अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती पंचवटी साकेत यशोधरा जय द्रथ वध। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विविध के अंतर्गत यहां पर देखते हैं कुंभ मेला के बारे में। इस तरफ स्थान है यहां पे संबंधित नदियां हैं, इस तरफ राज्य है। प्रत्येक वर्ष में आयोजन होता है या फिर छठे वर्ष में 12वें वर्ष में, तो ये देखने वाले हैं। पहला है हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है उत्तराखंड में। मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक छठे वर्ष में अर्ध कुंभ मेला होता है और पूर्ण यानी कुंभ मेला होता है प्रत्येक 12वें वर्ष में। प्रयागराज गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर है उत्तर प्रदेश में है। मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, अर्ध कुंभ होता है छठे वर्ष पर और पूर्ण कुंभ होता है 12वें वर्ष में। उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है अर्ध कुंभ मेला छठे वर्ष पे और पूर्ण कुंभ, या फिर यह ध्यान देना है यहाँ पे क्योंकि मेले का आयोजन यहाँ पे हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन प्रत्येक छठे वर्ष में अर्ध कुंभ मेला होता है और प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेला या फिर पूर्ण कुंभ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। नासिक में गोदावरी के तट पर होता है महाराष्ट्र में मेले का आयोजन। नोट करके दिया गया है 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। चार मठ स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा चार स्थानों पर है। मठ का नाम इस तरफ स्थान राज्य है, इस तरफ दिशा है। ज्योतिर्मठ जोशी पीठ उत्तराखंड उत्तर में है। गोवर्धन मठ पूरी ओडिशा में पूरब में है। द्वारिका पीठ द्वारिका गुजरात में पश्चिम में है। श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में स्थित है।
परंपरागत पुरस्कार देते हैं। कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कला के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं वी एस नायपाल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है चित्रा मृदुगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है आशा पूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जून 1954 को किया गया। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सी राजगोपालाचारी सी वी रमन। भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य देखते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है भरतनाट्यम कथक कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम कथकली ओडिसी मणिपुरी और सत्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुरी सत्रिया कथक ओडिशा कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम और कथकली। यहाँ पे इनके राज्य भी दिए गए हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है तो ये राज्य आपके लिए होमवर्क है ये आप स्वयं से देख लीजिएगा। इसमें एक में नोट करके दिया गया है इंगित बिंदु संबंधित राज्य को प्रदर्शित करते हैं ना कि वास्तविक स्थल को तो ये राज्य आप खुद से कवर करिए। नेक्स्ट देखते हैं मंदिर संबंधित राज्य। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाबोधि मंदिर ये है बिहार में। उड़ीसा में है राजा रानी मंदिर। श्री भीमेश्वर स्वामी वरी देवस्थान द्रक्ष रामम ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। श्री विद्या मंदिर स्थित है कर्नाटक में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर मोढ़ेरा यहाँ गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर हमने देखा मंदिर और उनसे संबंधित राज्य। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। घटना चक्र से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप माई प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।